हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट में व्यू टैब को। अभी ये हमारी एक पीपीटी है, नॉर्मल पर ही है, तो ये सामने आपके ऐसे शो होगा। और अगर आप आउटलाइन व्यू में आते हैं तो ये हमारा इस टाइप से शो होना स्टार्ट हो जाता है। स्लाइड शॉर्टर का ये होता है कि इसमें ये आपकी इस टाइप से शो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर इसको हमें सबसे आगे करना है तो सिंपली इसको उठाकर और बस ड्रैग एंड ड्रॉप। तो फिर अगर आप चाहें तो इससे ये काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं अगेन अपने नॉर्मल पे आता हूँ। अब अगला ऑप्शन होता है नोट्स पेज का। इस पर जब आपका क्लिक होगा तो ये सामने आपके ऐसे ओपन हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टाइप किया वेलकम। और अगर अब मैं इस पर आऊँगा तो यहाँ पर ये अभी हमारा ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन होता है रीडिंग व्यू का। अब इसका ये काम होता है कि इसमें आपका क्लिक होगा तो ये तो फिर ये आपका एक रीडिंग टाइप से शो होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इस कैप से आप अगेन अपने वापस आ जाएंगे। अब अगला ऑप्शन होता है स्लाइड मास्टर का। इसका ये काम होता है कि अगर आपने किसी एक स्लाइड पर कुछ भी अगर आपने टाइप किया है तो वो सब पे आपका टाइप होकर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आता हूँ इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर हमने कुछ भी अपना, चाहे आप कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी शेप हमने इंसर्ट किया आकर ऐसे, और ये सामने हमारे ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगेन अपने व्यू ऑप्शन पे आता हूँ और मैं आता हूँ नॉर्मल पे, और ये शो होना ऐसे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये इस पर इसलिए नहीं हो रहा है शो क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग होता है। फाइन। अब ऐसे ही अगला होता है हैंडआउट मास्टर। अब इसका ये काम होता है कि इसमें यहाँ पर जो भी आप चाहेंगे वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपका इसमें एक हेडर शो हो रहा है, एक आपकी डेट शो हो रही है, और इसमें ये भी आपका शो हो रहा है। अगर आपको इनको हटाना है तो आप सिंपली ऐसे क्लिक होगा और ये आपके ऐसे हट जाएंगे। जी, तो इनका ये काम होता है। अब मैं अगले ऑप्शन पर आता हूँ एंड इट इज़ कॉल्ड नोट्स मास्टर। अब इसका ये काम होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें आकर हमने कुछ अपना कलर हमने चेंज किया, कुछ इसके कलर को हमने इस टाइप से चेंज किया। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि अब जब हम लोग नोट्स मास्टर में आएंगे तो उसमें अब ये इफ़ेक्ट हमारा ऐसे शो होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला है हमारा वो होता है रूलर। इसका ये काम होता है कि इस पे टिक होते ही ऊपर और एक और ये आपके साइड में ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो हमेशा इस साइड से ही टाइप हो तो आप ऐसे आ जाइए और वो आपका हमेशा ऐसे ही शो होगा टेक्स्ट। अब जो अगला होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड पर ग्रिड लाइन शो हो तो एक ग्राफ के टाइप से ये इस टाइप से ऐसे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है हमारा गाइड्स। इसमें क्लिक होते ही जो आपकी स्लाइड होगी वो आपके इक्वल पार्ट्स में ऐसे हमारे इसके हिस्से हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ भी अगर हमें इंसर्ट करना है, हमने कहा जी इस पर एक आपका इंसर्ट हो जाए ऐसा पिक्चर, तो आप इसके साइज़ के हिसाब से बहुत आसानी से कुछ भी इंसर्ट कर पाएंगे। हमने कहा जी ये हमारा इस साइड से ऐसे स्टार्ट हो, और अगर आपको इसको हटाना है तो बस आपको टिक इसमें से हटाना होगा और ये आपका, ये बिल्कुल आपका इक्वली ऐसे आपके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है नोट्स ऑप्शन। अब इसका ये काम होता है कि जो आपकी स्लाइड होती है उसके यहाँ पर ये अपने आप से एक आ जाएगा। हमने टाइप किया इसको
फॉर ऑफिस, और इसमें भी सेम ऐसे ही आपका शो होगा, लिखा हमने आकर फॉर होम, फाइन। तो इसमें ये ऐसे आपका शो होगा, और अगर आपको हटाना है तो सेम उस पर टिक आपका और ये आपका रिमूव हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन होता है जूम का, ये अभी आपका 100% पर ही होता है, तो अभी अगर आपने इसको किया 200 तो इसका साइज़ अभी बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा और ये ऐसे आपके सामने ऐसे आपको शो करना पड़ेगा। और अगर और फिर ये ऐसे ही आपका चेंज भी हो जाएगा इसी के ही हिसाब, इससे आपका ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको किया 400% और फिर ओके पर, अब हमें ऐसे आना हो रहा है अगेन अगेन, तब उस केस में अगर आप आते हैं फिट टू विंडो में तो ये आपके इसके हिसाब से सेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हर चीज़ अभी हमारी कलर में है, तो यहाँ पर ये भी आपके कलर के ही फॉर्म में आपका अभी क्लिक है। अगर आप ग्रे स्केल पर आएंगे तो फिर हल्का सा ग्रे ऑप्शन में ये शो होना अभी हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप से। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर कुछ इस टाइप से शो हो कि कुछ इस टाइप से शो हो, तो इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन है। और अगर आपको वापस अगर आपको आना है तो आप इसमें आ जाइए और ये आपका अगेन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगला ऑप्शन होता है हमारा ब्लैक एंड वाइट, अब इसमें हर चीज़ हमारी ब्लैक और वाइट में ही शो होगी और इसमें भी सेम ये आपका ऐसे चेंजमेंट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन होता है न्यू विंडो, अब इससे क्या होगा कि इसी फाइल की एक और कॉपी आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पर ये दो कॉपी अभी हमारी ऐसे शो होना स्टार्ट होगा। अब अगला होता है अरेंज ऑल, क्योंकि अभी आपको ऐसे अलग अलग आना होता है तो अरेंज ऑल से ये ऐसे आपकी अलग अलग सेट हो जाएगी और अब आपका दोनों में काम बहुत आसानी से हो जाएगा, ओके। अब अगला ऑप्शन होता है कैस्केड का, कैस्केड में जब आप आएंगे तो ये सामने आपके थोड़ी सी स्मॉल होकर और ये सामने आपके ऐसे ओपन होके आ जाएगी। अब अगला ऑप्शन होता है मूव स्प्लिट का, अब इसका ये काम होता है कि इसमें ना एक आपका एरो सा ऐसे सामने आपके शो हो जाएगा और जो आपके एरो कीज़ होते हैं अब काम उनसे होगा। अगर आपका और अगर अब आपका ये अप एरो प्रेस होगा तो ये अब आपका स्मॉल हो जाएगा और डाउन एरो होने पर अब ये आपका बिग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपके साइड के भी एरो का काम ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर अब आपको इसको हटाना है तो बस अगेन क्लिक हियर और ये आपका रिमूव हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी आप अगली फाइल पे आना होता है तो आपको ऐसे आना होगा अलग अलग ऑप्शन पे। तब उस केस में अगर आपको इसी की ही हेल्प से अभी आप 1 पर हैं और अगर आपको 2 पर आना है तो देखें तो फिर बस 2 पर क्लिक होगा और अब आप 2 पर आ जाएंगे। अब आप 2 पर हैं और अगर अब आपको 1 पर आना है तो आप इस पर आ जाइए, ओके। अब जो हमारा आखिरी ऑप्शन है वो है मैक्रोज, ओके। और इसका शॉर्टकट होता है Alt+F8, इस पर क्लिक होगा आप पहले आप गिव एनी नेम आई से ABC और अब आप आएंगे क्रिएट ऑप्शन पे और सामने अब ये आपके ऐसे आ जाएगा। तो अब इसमें आपका कमांड होती है मैसेज बॉक्स और यहाँ पर और ये जो कॉमास हैं इसमें हमने टाइप किया हेलो वी आर रिकॉर्ड, ठीक है। और आपने इसे कट किया और आपने इसे भी कट किया। अब आप इस पर आएंगे और इस पर आकर ऐसे एंड रन पर आएंगे तो ये सामने ऐसे आपके शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो ये व्यू टैब के सारे ऑप्शंस को हमने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी करिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए ना प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।